कर रही हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हब बानसूर। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2। ओके, और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर एंड इन दैट वी डिस्कस अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। ओके, इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं, जो हम पेपर का यूज करते हैं दैट इज नोन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें क्या होता है, जब नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स सोल्यूट डिजोल्व इन ए सोलवेंट, ओके, यानी जब एक से ज्यादा सोल्यूट एक ही सोलवेंट में डिजोल्व होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। ओके, मोर देन वन सोल्यूट डिजोल्व इन द सेम सोलवेंट, देन दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट आउट द वेरियस कॉम्पोनेंट्स। ओके, अब देखिए इसमें इट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ द कलर्स। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारे स्केच कलर्स होते हैं, ओके, बहुत सारे कलर्स होते हैं, स्काई ब्लू है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है। इसके अलावा देखिए, जो 12th क्लास के लेवल पे भी इसको किया जाता है, वहां पे हम क्या करते हैं, जो लीव्स है प्लांट्स की, ठीक है, लीव्स को ग्राइंड करके उसका जो सॉल्यूशन बनता है, ओके, और वो ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं कि जो क्लोरोफिल ए है या क्लोरोफिल बी है, लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल है वो कितने कलर से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो उसको हम सेपरेट आउट करते हैं, लीव्स के अंदर कितनी टाइप्स के वेरियस कलर्स होते हैं। आप स्केच कलर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेते हैं, फिल्टर पेपर लैबोरेटरी में होता है, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप लेते हैं, उस स्ट्रिप पे हम क्या करते हैं, किसी भी कलर का, आप चाहे आपके पास स्केच कलर है, कोई भी एक स्पॉट आप लगा सकते हैं, स्पॉट ऑफ इंक, ओके, किसी भी कलर का आप स्पॉट लगा सकते हैं। आपको ये पता करना है कि ये पर्टिकुलर कलर एक सिंगल कलर है या बहुत सारे कलर से मिलकर बना हुआ है। फिर हम पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, किसके ऊपर, फिल्टर पेपर, ये फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है। वैसे तो फिल्टर पेपर कैसा होता है, सर्कुलर होता है, बट हम स्केल की हेल्प से एक स्ट्रिप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रिप हमने ली है, स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, इस पे हमने एक स्पॉट लगा दिया, जिस भी कलर के बारे में हमें जानना है कि एक जो कलर है रेड या येलो या ऑरेंज, आप कोई भी लेके चले, वो एक सिंगल कलर से मिलकर बना हुआ है या वेरियस कलर से मिलकर बना हुआ है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे एक स्पॉट लगा देते हैं। अब हमारे पास एक जार होता है जिसमें कुछ अमाउंट वाटर का फिल्ड होता है, उस स्ट्रिप को लाके हम उस जार में रख देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, जो वाटर का लेवल है आपका, वो हमेशा आपके स्पॉट से नीचे होना चाहिए, यानी आपका जो स्पॉट आपने लगाया किसी भी कलर का, ठीक है, वो स्पॉट आपका इसमें डिप नहीं होना चाहिए वाटर में, वो स्पॉट से नीचे वाटर का लेवल होना चाहिए। अब होता क्या है, क्योंकि फिल्टर पेपर में कैपिलरी सिस्टम होता है, तो धीरे 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 क्या होगा, पानी ऊपर की ओर रेज करेगा, और जैसे वाटर ऊपर की ओर रेज करेगा तो वेरियस कलर जो होते हैं, ठीक है, उनके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे क्या होंगे, सेपरेट आउट होते चले जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक रेड कलर है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ पिंक, येलो, तो क्या होगा, जैसे जैसे वाटर ऊपर की ओर रेज करेगा तो आपको अलग अलग स्पॉट्स दिखाई देते चले जाएंगे आप इस तरह से, ठीक है। और इवन आपको एक पूरी की पूरी कलर लाइन भी दिखाई देगी, किस तरह से, कि कौन सा कलर कहाँ सेपरेट हुआ है, कौन सा कहाँ सेपरेट हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर आप ग्रीन लीव का जो सोल्यूशन आपने बनाया, वो ग्रीन स्पॉट आप यहाँ पे लगाओगे, तो आपको भी वहां पे वेरियस कलर्स, जैसे ग्रीन एक सिंगल कलर नहीं है, बल्कि आप देखिए स्टार्टिंग में मान लीजिए येलो कलर, फिर ऑरेंज, फिर लाइट ब्लू, इस तरह से आपको वेरियस स्पॉट्स दिखाई देंगे। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि एक जो सिंगल कलर है वो भी एक सिंगल नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर का मिक्सचर है, एग्जैक्टली है। तो इस मेथड से क्या करते हैं, ग्लास जार में हम डाल देते हैं, वाटर का लेवल नीचे होगा, जैसे ही वाटर ऊपर की ओर रेज करेगा कैपिलरी सिस्टम से, तो वेरियस जो कलर के कॉम्पोनेंट्स है वो आपके सेपरेट होते हैं, आपको दिखाई देंगे, एग्जैक्टली है। अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ये और कहाँ यूज होता है। तो वन इज टू सेपरेट द कलर्स इन ए डाई, एक मेथड आपको मैंने बताया था इवापोरेशन, जिसमें हम जो ब्लू या ब्लैक इंक है उसके ब्लू ब्लैक सॉलिड कॉम्पोनेंट को सेपरेट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई डाई है, उसमें बहुत वेरियस कलर्स है, ठीक है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज, और कोई डाई है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके जो वेरियस कलर्स है वो इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, तो नेचुरल कलर जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया मैंने लीव्स, ठीक है, तो लीव्स का जो नेचुरल कलर है वो कितने कलर से मिलकर बना हुआ है वो आप पता लगा सकते हो। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डायग्नोसिस किया जाता है, यानी किसी बंदे ने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है उसके थ्रू भी पता लगता है किस ड्रग से जो है डेथ हुई, या वैसे भी जनरली पता लगा जा सकता है कि पर्सन की बॉडी में ब्लड में कौन सा ड्रग्स मिक्स है, इज दैट क्लियर। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। तो ये क्रोमेटोग्राफी मेथड है बेटा, मेथड सारे इंपॉर्टेंट, आपको प्रॉपरली आपको लर्न करना है। अभी कुछ और मेथड्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ओके, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपको डायग्राम बनाना है, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। हैव ए गुड डे।